जमोड़ा वीडियो बनाएगा। मैं कहता बनाएगा ना। हेलो सुपर फैंस, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कंक्लूजन। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं टॉप 10 फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में। और तो मैंने सर्च किया कि टॉप 10 फिक्शनल कैरेक्टर कौन है और मुझे अलग अलग वेबसाइट्स मिली, अलग अलग जगह पे अलग अलग टॉप 10 उनके कैरेक्टर थे और कुछ जगह में तो इतने गलत थे कि मैं सहन ही नहीं कर पाया। इसीलिए ये मेरे खुद के पर्सनल टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, ना कि किसी और के। तो इसमें से अगर आपके कैरेक्टर का नाम ना मिले तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो भी एक पब्लिक डिमांड वीडियो है और मैं कहता हूँ हमेशा की तरह कि मुझे पब्लिक डिमांड वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, भले ही थोड़ा लेट हो जाए मगर मैं बनाता ज़रूर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण कंक्लूजन। नंबर 10 पे हमने रखा है एंशिएंट वन को। एंशिएंट वन कौन है उसके बारे में मुझे बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप सभी ने एंशिएंट वन को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देख लिया है और उसके बारे में आप जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम रह चुकी है अर्थ की, उसने दोरमामों को भी हराया है, तो इसी से मालूम चलता है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी कैरेक्टर का नाम लेने के बाद उसकी पूरी डिटेल्स नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ बस नाम लूंगा बस और थोड़ी सी पहचान बता दूंगा। अगर उन कैरेक्टर्स की डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन कैरेक्टर्स की डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो अब हम नंबर 9 की तरफ पहुँचते हैं। नंबर 9 में मैंने रखा है वर्ल्ड वॉर हल्क को। वर्ल्ड वॉर हल्क को तो आप सभी जानते हैं, उसकी कॉमिक्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल कैरेक्टर है और ये एक हल्का ही एक फॉर्म है। तो अब हम नंबर 8 की तरफ पहुंचते हैं और नंबर 8 पे हमने रखा है डॉक्टर मैनहट्टन को। डॉक्टर मैनहट्टन डीसी का समझिए एक गॉड है और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए इन्हें रैंकिंग मिली है नंबर 8 की। तो अब नंबर 7 की तरफ पहुंचते हैं। नंबर 7 पर है एलियन एक्स। एलियन एक्स को आपने बेन 10 के एपिसोड में ज़रूर देखा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, वो चाहे तो एक नया अर्थ क्रिएट कर सकता है और उसने बेन 10 के एपिसोड में ऐसा किया भी है। तो अब हम नंबर 6 की तरफ पहुंचते हैं और नंबर 6 में आता है द गार्जियन सुपरमैन। ये कोई आम सुपरमैन नहीं है, ये सुपरमैन का सबसे पावरफुल फॉर्म है। ये द आर्मर सीरीज में इसे दिखाया गया था और इसकी अपीयरेंस बहुत कम है, इसीलिए बहुत कोई इसके बारे में जानते भी नहीं और इसे ही हमने नंबर 6 पर रैंकिंग रखा है। तो अब हम नंबर 5 पर पहुँचते हैं और अब हम टॉप 5 की लिस्ट में भी पहुँच चुके हैं और टॉप 5 की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। और यहाँ पर टॉप 5 में खड़ा हुआ है बियॉन्डर। बियॉन्डर को तो आप सभी जानते हैं, जो 1984 में सीक्रेट वॉर कॉमिक में दिखाया गया था। तो अब हम नंबर 4 की तरफ पहुँचते हैं और नंबर 4 पर आता है सैतमा। सैतमा को आप लोग वन मैन पंच के नाम से भी जानते हैं, इसका सिर्फ एक ही पंच काफ़ी है और ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर ये कोई आम लिस्ट होती तो ये उस लिस्ट में नंबर 1 पे होता, मगर ये पूरे पावरफुल कैरेक्टर्स में है इसीलिए ये नंबर 4 पर है। नंबर 4 पे भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 वाले को भी एक अच्छी टक्कर दे सकता है। और नंबर 3 पे है द रेवन किंग थॉर। रेवन किंग थॉर को भी आप सभी जानते हैं कि ये थॉर का सबसे पावरफुल फॉर्म है, इसमें वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी का भी अस्तित्व ही मिटा सकता है। तो अब हम नंबर 2 की तरफ पहुंच गए हैं। नंबर 2 पे है ड्रैगन बॉल से गोकू। गोकू को भी आप सभी जानते हैं कि वो कितना पावरफुल है और वो क्या कर सकता है। और नंबर 1 पे वन एंड ओनली वन अबव ऑल को हमने नंबर 1 पर रखा है। मैंने पहले ही कहा है कि ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, तो इस वजह से आपके फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में शायद ना भी हो। अगर आपकी कोई कैरेक्टर इस लिस्ट में ना हो तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग चुका हूं और मैं फिर से कहता हूं आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका कैरेक्टर का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, तो आप अपने टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे पता चले कि मेरी लिस्ट और किसके साथ मैच करती है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक भी कर दो यार, और वीडियो को जो चैनल है सुपर हीरो कंक्लूजन उसे भी सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन जो है उसे फोड़ डालो, उस पर तुम गोकू का पंच मारो या सैतमा का वन मैन पंच, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो मैं अब चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी और कंक्लूजन के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन बाय।